अरे जानू, आज पिज्जा खाने का बहुत इच्छा कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें ऑफिस से जल्दी घर बुलाई थी और इस रेस्टोरेंट में लाकर पिज्जा खाएंगे हम लोग। बहुत आनंदित पिज्जा यहाँ पर बनता है कि दिल एकदम गदगद हो जाता है हमारा। तो यही था तुम्हारा प्लानिंग पिज्जा खाने का? अरे हमारा ऑफिस में इतना अर्जेंट काम था, उसको छोड़कर चले आए कि हो सकता है तुम्हारा तबीयत भी इतना खराब हो और तुम पिज्जा खाने के लिए रेस्टोरेंट लेकर आए हो हमें। चलो अभी घर पर तुम्हारी कुटाई करते हैं अच्छे से। तुम ऐसे फर्जी काम करो, काम धंधा तो है नहीं तुम्हारे पास, सिर्फ दिन भर पिक्चर देखना है, इधर उधर बात करना है और हमारा भी समय वेस्ट करा दियो। तुम पैसा नहीं आएगा तो कैसे खाओ पियोगी बताओ। चलिए ठीक है, काम की धमकी हमें ना दीजिए, हम भी घर पर सभी काम करते हैं और आप हमें ऐसे वैसे बात ना सुनाइए। चलिए आकर बैठिए घर पर, हम आपको कमा कर खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हाथ में भी गुण है, ज्ञान है, तो किस चीज़ की चिंता नहीं है हमें। आइए बैठिए, हम सिलाई करेंगे और खिलाएंगे आपको, आप घर का पूरा काम करिए। चलो ठीक है, आज से बैठ कर ही खाएंगे हम घर, देखते हैं तुम कितना दिन हमें खिलाते हो और कैसे काम चलता है। सभी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी, घर का सारा काम धंधा हम ही करेंगे और खाना भी तुम्हें बना कर खिलाएंगे। चलो पहले यहाँ से जल्दी निपटाओ सब सामान यहाँ का।